ये कैसी सी है जिंदगी हमारी। नहीं, गलत पड़ गया मैंने, सॉरी। एक मिनट, हाँ, ये कैसी सी बात है जो हम किसी से बांट नहीं सकते। ये कैसी सी बात है जो हम किसी से बांट नहीं सकते, अपने ही घर काटता है और अपने घर में रात काट नहीं सकते। खो चुका हूँ वो किताब जिसमें रखी थी तस्वीरें, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी। बैठे रहते हैं उस खिड़की पर जैसे आने की हो आज तुम्हारी। कैसी सी है जिंदगी हमारी, एक खिड़की तुम्हारी एक खिड़की हमारी। वाह, क्या बात है, इंतजार है कि फिर मुझे ऐसा महसूस हो कि तेरे रास्ते से गुजरूं तो पहले जैसा महसूस हो। इस डायरी का पहला पन्ना मैंने उसके लिए ही रखा था, दूसरे पन्ने पर ख्वाब थे और आगे फिर उसी का खत रखा था। ये किसी ने सुना नहीं, किसका गाना है? अब ये थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है, ध्यान से। चाय के ऊपर है कि चाय ज्यादा पसंद है मेरे को ना। अरे यार, एक मिनट, ये चाय वाला मेरे ये पढ़ देता हूँ, दो लाइन का है कि बूंद की तरह टपकते तेरे इश्क को हथेली से गालों में ही मसल दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो किसी पूरी होती आस में किवाड़ खोले बैठी हूँ, किसी ज़रूरतमंद की चाह में बाहें खोले बैठी हूँ, इस तेज बरसते पानी में छाता छोड़े बैठी हूँ, किसी न किसी खुद में बहने का इंतज़ार है इसलिए रूह की चादर भी दूर छोड़े बैठी हूँ। क्या बात, क्या बात। कुछ कुछ रास्ते उसने काफ़ी पसंद आते, फिर हम वहीं निकल लेते हैं, है ना। इस रास्ते पर जैसे महसूस होता है खुद के होने का नुकसान, इस रास्ते से उठाता रहा सूखे पत्ते बनाने के लिए खुद के लिए फूलों का मकान। हाँ जी, तो अब ऐसा है, मिल गया। बालकनी में बैठे चाय पीते पीते बारिश का इंतजार करते रहे, हवा चलती रही वो रात कमाल करते रहे, कंधे पर रख हाथ एक दूसरे के बातें हजार करते रहे, चांद के आगे ही चाय पी ली और सूरज का इंतजार करते रहे। अपने होंठ पर रखकर मैंने चाय को कुछ यूं आबाद किया है, हर एक घूंट को जब भी उतारा तो तुम्हें याद किया। थोड़े से 50 रह गए बस। मुझे और भी तरीके आते हैं आसमान में जाने के, जमीन पर पड़ी पतंग उड़ाने के। मैं यूं ही पतंग चरखी से नहीं बांधता क्योंकि आसमान तो है खुलकर उड़ जाने के लिए। और हमारे पास बस हम है खुद को समझाने के लिए। अब चाय का आखिरी है कि सब सही है, सब सही है, सब सही है, दूध सही है, तुम भी यही हो हम भी यही है, जो जहाँ है वो वहीं सही है, बाकी अपन यही है, किसी के होने या ना होने से फर्क पड़ता नहीं है, जिनसे फर्क पड़ता है वो अब साथ ही नहीं है। तो सब सही है, दूध सही है, फ्रिज में दूध है या नहीं है ये तो पता नहीं है, पर अब साथ चाय पीने वाला कोई नहीं है, तो सब सही है, दूध सही है। फ्लैश है ना, ये इतनी तेज चल रही है, नीचे तक पानी। हाँ, एक लास्ट बस। हमेशा एक सी अदाकारी, सब याद रह जाता है जैसे बातें पुरानी। और मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं मंडी हाउस में खूब घूमता हूँ। तो हमेशा एक सी अदाकारी, सब याद रह जाता है जैसे बातें पुरानी। मंडी हाउस का रास्ता याद आती है खुद की कहानी, डराती है हर रात जैसे फिर किसी के जाने की बारी।
फिर वही कहानी जो लग रही थी नहीं, वो बातें भी हो गई पुरानी। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम, आई एम नरेंद्र खन्ना।